गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रैबिट में रूफ और फ्लोर के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने स्टेयर्स के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि रैबिट में हम लोग खुद की कोई अगर फैमिली क्रिएट करनी हो, खुद से कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो अपना खुद का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे कंपोनेंट पे जाना चाहिए, और कंपोनेंट पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो इसमें होता है मॉडल इन प्लेस, और एक होता है प्लेस अ कंपोनेंट। कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी प्लेस हुए रहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कैसे उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप उसको इजली यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप खुद से बनाना चाहते हो कोई एलिमेंट को, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉडल इन प्लेस पर क्लिक करना चाहिए और यहाँ पर केस वर्क पर क्लिक करना चाहिए। और जैसे केस वर्क पर क्लिक करेंगे, फाइल का नाम पूछेगा, आप जो फाइल का नाम देना चाहो दे दो। और इसके बाद आप देखोगे तो जैसा कि आपने दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी देखा होगा, एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप एंड स्वीप ब्लेंड कमांड्स आ जाते हैं अच्छे तरीके से। ओके, अब हम लोग इनको यूज़ कैसे करेंगे ये हम लोग को देखना है। सपोज हमें कोई कॉलम बनाना है तो हम इजली एक 9 बाई 9 इंच का, लाइक जो भी हमारा साइज देना चाहे उस साइज़ का हम लोग कॉलम्स बना सकते हैं दोस्तों। तो जैसे अभी हमने एक एक्सट्रूजन लिया है यहाँ से। एक्सट्रूजन लेने के बाद कोई आप ड्राइंग भी कर सकते हो अच्छी खासी। सपोज आपने यहाँ से लिया, और ये लेने के बाद आप यहाँ से इस तरह से जा रहे हो। ये मैं इसमें टॉप में का लेवल 1 में काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने कुछ शेप देना चाहा। ठीक, तो इस तरह से सपोज मुझे इस शेप को देना है। ठीक है, अब इसको इस शेप का मुझे 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है आपके पास। और बस आपको यहाँ पे फिनिश मोड पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या डेप्थ रखनी है इस ऑब्जेक्ट की, वो डेप्थ यहाँ पर डाल दीजिए। सपोज आपका इसका डेप्थ रखना है 5 फीट, आपने 5 फीट दिया, और 5 फीट डालने के बाद यहाँ पर जैसे फिनिश मोड करते हो आप, तो आप इसको जब 3D में आप देखोगे तो ये अच्छा खासा एक 3D ऑब्जेक्ट बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों एक्सट्रूजन कमांड को यूज़ करना। इसका रियलिस्टिक भी देखना है तो विजुअल स्टाइल पर जाइए और यहाँ पर रियलिस्टिक कर दीजिए इसको। और इसको आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके सामने एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अभी इसको फिर से कोई मैनेज करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। फिर से क्लिक किया दोस्तों, अगर अब तुम्हें ऐसे करना है, जितना ये इसको पॉसिबल होगा उतना ही आपको श्रिंक करके दे देगा। इतना भी नहीं कि आपको पूरा कर देगा, बट जितना इससे पॉसिबिलिटीज होगी उस तरीके से आपको एक्सट्रूड करके। सपोज अब इसको आप चेयर जैसा यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। आई थिंक या लाइक सपोज मैं इसको डिलीट किया, इस तरह से इसको बढ़ा दिया, तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब कि बहुत ही आसान है रैबिट में एक्सट्रूजन को यूज़ करना। और इस तरह से हम लोग एक्सट्रूजन यूज़ करने के बाद ये बच्चों का टेबल टाइप का हम बना सकते हैं, या कुछ भी हमको कॉलम बनाना है, बीम बनाना है। तो मेन होता है कि एक्सट्रूजन कमांड को कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोग को देखना है। होप आपको समझ आया कि एक्सट्रूजन कैसे यूज़ करते हैं। अब एक्सट्रूजन के बाद नेक्स्ट कमांड हमारी आती है इसी में। सबसे पहले हमें लेवल पर जाना चाहिए, इनको अभी थोड़ी देर के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। और लेवल पे जाने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करके यहाँ से मॉडल इन प्लेस पे क्लिक किया, और यहाँ पे केस वर्क पे क्लिक करके अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लेंड कमांड यूज़ करेंगे। आपने अगर ऑटो कैड पढ़ा है तो ऑटो कैड में कमांड थी लॉफ्ट, ये जस्ट सेम लाइक लॉफ्ट की तरह यूज़ करते हैं हम लोग इसको भी। हमने दोनों ऑब्जेक्ट को लिया और इसको लेने पर एडिट टॉप पर क्लिक किया, और फिर यहाँ पर जिस तरह का भी आपको ऑब्जेक्ट तैयार करना है उसके लिए आपने यहाँ से तैयार कर लिया अपने सर्किल्स को। और यहाँ फिनिश मोड, और जो भी डेप्थ आपको रखना है, सपोज आपके यार फिर से आपको 10 फीट रखना है, 10 फीट रखिए, और 10 फीट रखने के बाद आप फिनिश मोड करिए। और इस तरह से आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट अच्छा सा तैयार हो गया जाएगा, उल्टा ऑब्जेक्ट हो गया है। अगर आपको होम पे जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अच्छा खासा ही होम पे दिख जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमने इस ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरह से हम लोग एक्सट्रूजन कमांड को और किस तरह से ब्लेंड कमांड को यूज़ करके अपने सेल्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवॉल्व कमांड को, स्वीप कमांड को, और उनको कैसे यूज़ करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बना सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करना चैनल को एंड गिव मी सपोर्ट। आई डेफिनेटली गिव यू एवरी टॉपिक ऑफ सिविल, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, एवरी सॉफ्टवेयर। मेरा टारगेट है कि मैं सारे सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल तैयार करके आपको दूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को भी यार। एंड अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप साइट पे जाओ www.unixcivil.com। वहाँ पे एवरी सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक, आपको हर एक टॉपिक के PPTs बुक्स प्रोवाइड है वहाँ पे, और इसलिए आप उसको पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।